हेलो व्यूअर्स, सो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीएमआर की कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसीज निकली हुई हैं फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। नॉन मेडिकल मीन्स जो डॉक्टर्स नहीं हैं, सो उनके लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। पोजीशन का नाम है साइंटिस्ट सी, सो इट इज़ अ रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर साइंटिस्ट सी पोजिशन। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपकी 8 मार्च, ठीक है। सो 8 मार्च तक 5:30 बजे तक इसका लास्ट डेट है, और उसमें एक वैकेंसी है साइंटिस्ट सी की, नॉन मेडिकल की, विच इज़ to be posted at ICMR headquarters MDMS unit New Delhi in the level 11 of pay matrix 67,700 to 2,08,700 जो 7th pay commission में आपका चल रहा है, एंड जो यूजुअल अलाउंसेज आपके होंगे वो आपको मिलेंगे, ठीक है। एक बात इसमें नोटिस करने की है कि इट इज़ एन ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब, सो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी आपको ऑल इंडिया कहीं पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो जॉब के डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द टाइटल ऑफ द जॉब इज साइंटिस्ट सी नॉन मेडिकल, एक ही पोस्ट है। अपर एज लिमिट आपकी है 40 ईयर्स, रिलैक्सेबल इन अकॉर्डेंस टू GOI इंस्ट्रक्शंस, यानी कि अगर OBC या किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका एज रिलैक्सेशन है, जैसे OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, दैट इज़ एप्लीकेबल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं इसमें मास्टर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड और फार्मेसी, यानी कि मास्टर्स की डिग्री चाहिए आपको। एसेंशियल एक्सपीरियंस में क्या चाहिए आपको, 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एन R&D इंक्लूडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यानी कि 4 साल का आपको R&D का एक्सपीरियंस चाहिए बायोमेडिकल डिवाइस हैंडलिंग का या डेवलपमेंट का, उसके R&D का आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस है आपका PhD इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब आपको, अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है एंड इफ़ यू आर हैविंग अ PhD डिग्री, and that PhD will be considered equivalent to 4 years of experience. So PhD will be considered as 4 years experience irrespective of the duration taken to complete the degree. अगर 5-6 साल भी लगे हैं तब भी आपको 4 साल का ही उसको experience count किया जाएगा। So आपका अगर आप fresh PhD भी हैं, so you are eligible for this job. और MPH, MTech, ME will not be considered as any experience. यानी कि MTech को भी कोई experience consider नहीं करा जाएगा, क्योंकि मास्टर्स तो इसमें मिनिमम क्राइटेरिया है ही अप्लाई करने के लिए। Experience in managing the national level program scheme related to medical devices diagnostics will be admissible. ठीक है, अब इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, करना क्या होगा। यू हैव टू प्लान, डेवलप, मैनेज एंड इम्प्लीमेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक्स, टू असिस्ट इन डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेज एंड डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज अलाइनिंग विद डिफरेंट गवर्नमेंटल स्कीम्स, टू असिस्ट इन ड्राफ्टिंग पॉलिसीज गाइडलाइंस इन द मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक सेक्टर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ICMR। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, देर विल बी अ CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर ऑफ MCQs एंड इंटरव्यू और बोथ। रिटन टेस्ट वुड बी बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च मैथड्स एंड विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वुड बी 75%। द टॉप 12 कैंडिडेट्स फ्रॉम अमंग द अबव क्वालिफाइड लिस्ट हु आर अदरवाइज एलिजिबल बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अब इसमें जो फीस है वो 1500 रुपये आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है। SC ST के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, और या एप्लीकेशन फीस इज टू बी पेड बाय कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन लिंक गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सो दीज आर जस्ट द नॉर्मल गाइडलाइंस, यू कैन गो थ्रू देम। मेरे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन कन्वे करने की, दैट देयर इज़ अ साइंटिस्ट सी पोजिशन ओपन, और मैंने आपका ब्रीफली आपको उसका इंट्रोडक्शन बता दिया कि वॉट ऑल यू आर रिक्वायर्ड, वॉट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी एप्लीकेशन फीस की और लास्ट डेट क्या है। बाकी आप इस PDF को मैं लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट और यू कैन डाउनलोड इट जस्ट फ्रॉम द ICMR वेबसाइट, मैं उसका लिंक पर डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।